मैं मोनाली पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 28। आज हम आए हुए हैं WHRO के एक ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसी योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो हमारे बीच अतिथि आने वाले हैं श्री पद्मश्री हंसराज जी, जो कि लोकसभा से सांसद भी हैं और उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया है और जिन्हें सूफी सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए हम उनसे बात करते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ को लेकर। जैसा कि इस प्रोग्राम का मोटो था ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं को बढ़ावा देना, लेकिन सर वर्तमान में हमारे देश में लड़कियों के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, आए दिन हमारे सामने घटनाएं आती रहती हैं, तो आपको क्या लगता है कि सरकार इस पे कौन से कठोर कदम उठाए? मैंने मंच पे भी यही बोला है, आपने देखा होगा अभी दिल्ली में हुआ था घटना, 9 साल की बच्ची, कहीं ना कहीं होता रहता है। हमारे प्रधानमंत्री जी, प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब, वो इतने फिक्रमंद थे, वरीड थे कि उन्होंने बोला कि आप लोग खुद जाके देखो। हमने देखा बंदे भी अरेस्ट हुए, अंजाम तक भी पहुंच जाएंगे, लेकिन वो बच्चियां, वो जिनके साथ जुल्म हुआ, ना वो बच्चियां वापस आएंगी ना उनकी रूह वापस आएगी। दोबारा जन्म नहीं लेना चाहेगी इस धरती पे, जिस जगह बेटियों पे इतना जुल्म होता है। कानून ने तो अपना काम करना ही है, सरकारें भी फिक्रमंद होती हमेशा, कोई भी गवर्नमेंट ये तो नहीं चाहती कि ऐसे हादसात हों और वो डीफेम हो, बहुत काम होता है। लेकिन इंसान को भी खुद भी देखना चाहिए कि किस लेवल के पीर पैगंबर गुरु आए, किस लेवल पे हमारा तालीम का इंतज़ाम किया गया, फिर वो इतनी होली बुक्स छोड़ गए हैं। लेकिन बेटियों को, कंजकों को, देवियों को इन लोगों ने बख्शा थोड़ी है। कानून भी बन रहे हैं, प्रावधान भी बन रहे हैं, लेकिन अपराधी नहीं डर रहे हैं, रीज़न आपको कुछ समझ आ रहा है इसके बीच? रीज़न ये है कि सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, प्रचार भी करना पड़ेगा, कोई शिक्षा ऐसी देनी पड़ेगी, ध्यान को डाइवर्ट करना पड़ेगा, जिस चीज़ों को आप जिससे ज़्यादा डरे हुए हैं या जो ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं उसको, तो उसकी थोड़ी तालीम का इंतज़ाम करना पड़ेगा, इंसान को समझाना पड़ेगा रिश्तों का और ये किरदार का, करेक्टर का लेवल क्या होना चाहिए। थैंक यू सर। अब हम बात करेंगे WHO के ऑर्गेनाइजर सुमित चौधरी जी से, जिन्होंने वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया है। तो सर आपने अपने WHRO में ह्यूमन राइट्स की बात की है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना को आगे बढ़ाने का सोचा है, तो आपको क्या लगता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आखिर कितनी सफल हो पा रही है वर्तमान में हमारे समाज में? ये हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से ये काफ़ी अच्छी प्रेरणा हम सबको मिली है और उस प्रेरणा स्रोत से हम लोग आगे बढ़ते हुए वर्ल्ड ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस की गठन करने के लिए सोचा हूँ। ये सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने के लिए उनके तरफ से ही ये कहीं ना कहीं पहल अकेले में से नहीं हो सकता, हम सब इंसान को, हम सब जितने भी हमारे संस्था के लोग जुड़े हुए हैं, हम सबको ये प्रयत्न करने चाहिए कि सब अपने तरफ से कुछ ना कुछ इस समाज को, इस भारतवर्ष को, इस सिस्टम को हम लोग कुछ ना कुछ एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन दें। उस तौर पे हम लोगों ने WHRO को गठन किया है, इसके उद्देश्य है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और ये बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने इसको आगे निभा के लेके जा रहा हूँ, आगे भी लेके जा रहा जाऊँगा। बेटी बचेंगे बेटी पढ़ेंगे हमारे समाज की, हमारे भारतवर्ष की नाम बहुत 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 बड़े लेवल पे आगे जाएंगे। आप देख रहे हैं ओलंपिक्स में आज बेटियों ने काफ़ी धमाल मचाया है, इस तरह से रक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में बेटियां बहुत अच्छे काम कर रहे होंगे। आज हम लोगों ने बीज बोए, बेटी को पढ़ाएं, वही बहुत बड़ा फल देके भारतवर्ष के नाम रोशन करें। सिर्फ बेटी पढ़ाओ तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन बेटी बचाओ कहीं ना कहीं बीच में रुक जा रहा है। कारण है हमारे साथ होने वाले आए दिन अपराध, जिसे अपराधी अंजाम देते हैं और उसका भुगतान हमें ही करना पड़ता है, और ये अपराध कम नहीं हो रहे। अभी कल ही की बात है, मुंबई में ले लीजिए, निर्भया जैसा कांड ही 32 वर्षीय महिला के साथ किया गया। तो ऐसे में फिर इसी में मैं आपको बताऊंगा, बेटी पढ़ाओ के साथ साथ बेटी बचाओ की बहुत बड़ा गहरा संबंध है। हम लोगों ने यदि बेटी को पढ़ाया लिखाया तो बेटी अपने आप में सक्षम होंगे अपने आप को बचाने के लिए, ये नींव है। जितना आप बेटी को पढ़ाओगे उतना ही हम लोग बेटी को बचा पाऊंगा, इसीलिए दो नारा एक साथ जोड़ा जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ।